हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद अ चैट विद अ गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ डॉन 3 मूवी के बारे में। जी हाँ, एज वी ऑल नो, डॉन 3 का साइन कर चुके हैं द वन एंड ओनली रणवीर सिंह। अब यहाँ पे जो फैंस है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि भाई डॉन 3 में एक्सपेक्टेशन तो SRK के लिए था, अब ये रणवीर सिंह कहाँ से आ टपके। अब जाहिर है डॉन 1 में SRK, डॉन 2 में SRK, तो डॉन 3 में रणवीर सिंह कैसे, हाउ? तो अब आइए मैं जानती हूँ, डिटेल में बताती आपको कि शाहरुख खान ने इस मूवी को क्यों ठुकरा दिया, क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो इसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जब SRK को स्क्रिप्ट सुनाया गया डॉन 3 के लिए, तो उनको ये स्क्रिप्ट ठीक से समझ में नहीं आई और उनका बोलना था कि थोड़ा चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि SRK का ये बोलना है कि जब तक मुझे स्क्रिप्ट पूरा तरीका से अच्छा नहीं लगेगा, मैं कैसे कैरेक्टर में आऊँगा। एंड देन उसके बाद इसके ही वजह से SRK ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया। एंड देन जब रणवीर सिंह से इस मूवी के बारे में बात किया गया तो उन्होंने हाँ बोल दिया। एंड देन इसके वजह से रणवीर सिंह हमें दिखाई देने वाले हैं वन एंड ओनली डॉन 3 में, जहाँ पे वो एक माफिया का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। अब जाहिर है, अब हीरो है तो हीरोइन तो बनती है ना, तो कियारा एडवानी हमें दिखाई देगी एज अ रोल ऑफ जंगली बिल्ली इन डॉन 3। तो यार, फरहान अख्तर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो रणवीर सिंह एक वर्सेटाइल एक्टर है, जहाँ पे वो बोले तो कॉमेडी एक्टिंग बोलो, इमोशनल एक्टिंग बोलो, या जो भी एक्टिंग बोलो, एक्शन, वो सब चीज़ कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ वो कर लेंगे। बट गाइज, आपको क्या लगता है कि डॉन 3 में रणवीर सिंह का कैरेक्टर अच्छा लगेगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए चाचा, बाय बाय।